भारत रहस्यों और चमत्कार से भरी हुई भूमि है। यहाँ पर जगह जगह आपको रहस्यमयी चीजें दिख जाती हैं। देवभूमि की धर्म यात्रा में आज हम आपको ऐसा मंदिर दिखाने वाले हैं जहाँ पूजा ही नहीं होती। तो देवभूमि की धर्म यात्रा है, इसी सीरीज में हम आज अपने साथी गिरीश पुजारा जी के साथ एक हत्या दीवाल को देखने निकले हुए हैं। अभी तक जितने लोगों से इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है, उसमें बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें सामने आई है कि वो एक ही पत्थर पे, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि केवल एक पत्थर पे पूरा काम किया गया है उसमें मंदिर का। ग्राउंड लेवल पर पहुँच करके हम इसका जाँच करते हैं और देखेंगे कि क्या मिलता है हमें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के एक रहस्यमय मंदिर की, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि इसे महज एक रात में एक आदमी ने अपने एक हाथ से बनाया है। यह शिव मंदिर है पर यहाँ शिवलिंग की पूजा नहीं होती है। पिथौरागढ़ जिले में थल के पास दो गांव हैं, अलमिया और बलतिर। अलमिया गांव और बलतिर के बीच एक चट्टान है जिसे भोलिया छीण कहा जाता है। इसी चट्टान पर मौजूद है एक अनूठा शिव मंदिर। लगभग 8वीं सदी में बना लगने वाला यह मंदिर दुनिया भर में चर्चित है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण एक हाथ वाले शिल्पकार ने एक ही रात में किया, इसलिए इसका नाम एक हथिया दीवाल कहा जाता है। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं अलमिया गांव का निवासी हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ एक बहुत पौराणिक मंदिर है, इसका नाम एक हथिया दीवाल है। ऐसा माना जाता है कि ये एक पत्थर पे एक ही रात में बना हुआ मंदिर है, एक ही हाथ से भी बनाया गया था। जो मंदिर में नाली बनी हुई है उसको लिए ऐसा कहते हैं, मतलब पहले से जो बगल में एक झरना है वहाँ से पानी आता था उस नाली से, और उससे शिवलिंग का अभिषेक किया जाता था। पहाड़ में देवाल का मतलब होता है देवालय, अर्थात देवताओं का रहने का स्थान। इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं कि यह मंदिर कब बना, लेकिन इसके स्थापत्य को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदिर का निर्माण कत्यूर साम्राज्य में हुआ था। इस मंदिर का स्थापत्य जितना रोचक है, उतना ही रोचक है इस मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी कुछ अन्य मान्यताएं। मैं एक्स सुबेदार मेजर पूरन सिंह भैंसोड़ा बलतिर गांव का निवासी हूं। आपको मैं हमारे गांव के अंदर जो एक हथिया देवाल कहते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज ये बता के गए हैं हमें कि हजारों हजार वर्ष पहले इस एक हथिया देवाल को एक जोगी ने बनाया था, वो एक ही पत्थर में, एक ही हाथ से और एक ही रात में बनाया था, ये हमारे पूर्वजों का कहना है। और जब रात खुली सवेरे, तो उस समय वो जो मंदिर के ऊपर शेर बना है, उस शेर की जो गर्दन उसको नहीं बना पाया, तो उस पत्थर को वहाँ से काट के फेंक दिया, ये हमारे पूर्वज बता के गए हैं। अच्छा, इसका एक खूबी इसमें ये रही गलती कि वो एक हाथ उनका था नहीं, एक ही हाथ था, एक ही हथौड़े से, एक ही हाथ से, एक ही पत्थर से, एक ही रात में जब बनाना शुरू किया, तो वो बनाते बनाते सुबह हो गई और वो शेर की गर्दन नहीं बना पाए। दूसरी ये है कि जो उसके अंदर शिवलिंग बनाया गया है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए था उसका, लेकिन वो दक्षिण दिशा की तरफ हो गया, इसलिए उसमें पूजा पाठ नहीं होती है। अगर उत्तर दिशा की तरफ हुआ होता, रात खुली नहीं होती, तो शेर की गर्दन भी बन जाती, तो उधर पर आज तक, मतलब अभी तक उसमें जैसे थल राम गंगा के पास शिव मंदिर है, उसी की तरह यहाँ भी पूजा पाठ होती। इस मंदिर के निर्माण के विषय में दो कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार भोलिया छीण चट्टान के पास स्थित गांव में गुणी शिल्पकार रहता था। एक बार किसी दुर्घटना में उसका हाथ काम करने योग्य ना रहा। जब शिल्पी का एक हाथ ना रहा तो गांव के लोगों ने उसकी उलाहना करनी शुरू कर दी। गांव वालों की उलाहनों से परेशान होकर शिल्पी एक रात अपनी छिनी हथौड़ा लेकर निकला
उसने गांव के दक्षिण में रातों रात चट्टान काटकर एक मंदिर का निर्माण कर दिया और फिर कभी गांव न लौटा। दूसरी कहानी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण करने वाले शिल्पी ने इससे पहले किसी क्रूर राजा के लिए बेहद सुंदर महल बनाया। भविष्य में शिल्पी इससे सुंदर महल का निर्माण ना कर सके, इसलिए राजा ने उसका एक हाथ काट दिया। शिल्पी ने राजा को दिखाने के लिए एक रात में ही इस मंदिर का निर्माण कर दिया। इस मंदिर में चट्टान काट कर बनाया गया शिवलिंग देखकर दोनों कहानियों में कुछ सच्चाई भी लगती है। मंदिर का शिवलिंग दक्षिण मुखी है, जिसे उत्तर मुखी होना चाहिए था। कहा जाता है कि रात्रि में अंधकार में दिशा भ्रम होने के कारण शिल्पी ने दक्षिण मुखी शिवलिंग का निर्माण कर दिया। दक्षिण मुखी शिवलिंग होने के कारण ही इस मंदिर में कभी भी पूजा नहीं की जाती है। मंदिर के पास स्थित नौले में जरूर स्थानीय लोग लोक पर्वों में जुटते हैं, लेकिन मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करते हैं। गेट और रास्ता तो मतलब ये गेट और रास्ता तो जो ये जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपनी कमाई के लिए करते हैं, लेकिन उस इस अयोध्या देवपाल के लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा झरना है जिसके लिए जाने के लिए एक अच्छा सा रास्ता भी नहीं है। अगर वहाँ पे एक अच्छा सा रास्ता बन जाता तो एक पर्यटन का एक अच्छा स्रोत हो सकता था। यहाँ पे कोई दुकान या रेस्टोरेंट खोल सकता था जिससे कि ये मतलब यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाता। धार्मिक मान्यता के इतर यह मंदिर अपने अनूठे स्थापत्य के लिए लोकप्रिय है। पर्यटन विभाग के सहयोग से देवाल तक टाइल लगाकर एक टिन शेड का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन देखरेख के अभाव में इसका बुरा हाल है। जहां एक ओर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया है, वहीं बलतरी एवं अलमिया गांव के बीच बना एक हत्या देवाल सरकार की नज़रों से दूर है। यदि ऐसे स्थान पर सरकार की नज़र पड़ी होती तो यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता था। यहाँ पर प्राकृतिक झरना जो वर्ष भर बहता रहता है एवं साथ में ऐतिहासिक धरोहर एक हत्या देवाल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता और पर्यटकों के आगमन से स्थानीय व्यापार बढ़ जाते, जिसके फलस्वरूप पलायन कम किया जा सकता था। बलतीर गांव में ही एक सतयुगी वृक्ष भी है, जिसके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि यह पेड़ सतयुग से इस स्थान में है। पर्यटन तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 24 साल हो गए मेरे को, यहाँ पे 98 में शादी हुई थी, मतलब 24 साल से इस गांव में मैं रह रही हूँ। तो मैंने प्राचीन समय ऐसे ही देखा, मतलब जब से हम लोग यहाँ पे आए ना वैसे ही देखा मैंने। ये वृक्ष तो 100 साल पुराने कहते हैं, मतलब इस सतयुग में एक अम्मा ने लगाया था बोले, तो तब से है ये पौधा, मतलब तो हमने भी ऐसे ही देखा है, और जो हमारे आगे से वो भी कहते हैं ऐसे ही देखा। सतयुग का है ये, मतलब पीपल का पेड़ बहुत ही पुराना है, मतलब करीब 200-300-400 मतलब 500 साल पुराना होगा। स्थानीय लोग यह बताते हैं कि यह पेड़ सतयुग से इस स्थान में है। मैं राम से बंसड़ा ग्राम बलतीर, जो बलतीर ग्राम में सतयुग पीपल का वृक्ष है, ये वर्षों से सदियों से हम ये सुनते आए हैं कि ये एक सतयुगी पीपल का वृक्ष है। हमारे बुजुर्ग और मैं करीब 65-66 साल का मैं हो गया हूँ, हमने भी यही सुना है कि इस वृक्ष की महिमा ही अपार है। धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा, जो राम गंगा अभी हमसे 1-1.5 किलोमीटर नीचे बहती है वो इसी पीपल के वृक्ष से होते हुए पहले बहती थी, ये हम सुनते आए हैं। और इस पीपल की महिमा हमारे उत्तराखंड में सभी जगह इस वृक्ष का वर्षों से लोग के मुँह से हम सुनते आए हैं कि स
सत्य की वृक्ष कहीं पर भी पाया जाता है तो ग्राम पंचायत बल्टिक में पाया जाता है। और हम आजकल धीरे धीरे स्थितियाँ बदलती रही, अब पहले तो यहाँ पर पूजा नहीं होती थी, आजकल हमारे जो महिलाएं हैं धीरे धीरे शनिवार को पीपल में जल भरने का काम और पूजा का काम और गांव के सामूहिक रूप से भी इस वृक्ष की हम लोग पूजा करते हैं। और यही सुनते आए हमारे बुजुर्गों ने भी हमसे यही कहा कि ये सत्य की वृक्ष है, इसकी रक्षा करना, इसको संभाल के रखना। सदियों पूर्व रामगंगा नदी के तट पर यह वृक्ष हुआ करता था, जिसके साक्ष्य ये पत्थर है, जिनकी उपस्थिति इस बात को साबित करने के लिए काफी है। उत्तराखंड के रहस्यों और देव स्थलों के दर्शन हम आपको कराते रहेंगे, इसके लिए आप हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।